और रुक करेंगे बड़ी खबर का। हरियाणा के मिर्चपुर कांड में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 17 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, हरियाणा के मिर्चपुर कांड में फैसला आ गया है। 2010 में मिर्चपुर कांड हुआ था। 17 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 82 आरोपियों के खिलाफ लगाई गई थी याचिका। सुचित्रा, इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। सुचित्रा, 17 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हरियाणा के मिर्चपुर कांड में सुनाई गई, और क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए आलोक, सबसे बड़ी खबर है और काफी अहम है क्योंकि काफी समय से इसका इंतजार था और आज कोर्ट ने पूरे तौर पर ये देखा है कि ये जो कांड हुआ है, यानी कि वाल्मीकि समाज पे जिस तरीके से ये हिंसा की गई है, पूरे साजिश के तौर पर की गई है और इसको लेकर यहाँ पर जो है 17 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यानी कि पहले जो 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा 2010 में ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी और अब हाईकोर्ट में जब के द्वारा याचिका आई तो हाईकोर्ट ने 17 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। यानी कि टोटल 20 लोग, 97 लोग आरोपी थे इस पूरे मामले में, तो टोटल 20 लोगों को आजीवन कारावास की सजा अब सुना दी गई है। कुछ और लोग थे जो पहले 15 थे जिनको भी ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई थी 10,000 की मुचलके के साथ और उनको 1.5 साल की सजा सुनाई गई थी, 76 सजा उनको जरूर सुनाई गई थी और बाकी जो लोग हैं उन्हें बरी कर दिया गया है। जो आरोपी है, यानी कि जो 17 है जिन्हें की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया गया है, 1 हफ्ते के अंदर उनको सरेंडर करना होगा। चलिए, शुक्रिया सुचित्रा इस तमाम जानकारी के लिए आपका।